गुलबर्गा शहर के दरगाह रोड ओल्ड रोजा पुलिस स्टेशन के करीब अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स, एशियन पॉलीक्लिनिक और एशियन जनरल मेडिकल ओपन हुआ है, जिसका इनोग्रेशन बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज, जानशीन सज्जादा रशीन, सैयद अली अल हुसैनी साहब और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शनप्रकाश पाटिल के हाथों किया गया है। अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स में आपको हज उमरा सर्विस के अलावा एयर टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट, होटल बुकिंग और टूर्स पैकेज के अलावा दीगर सर्विस दी जाएगी। और साथ ही एशियन पॉलीक्लिनिक में आपके लिए डॉक्टर अब्दुल समद MBBS डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह MBBS MD जनरल मेडिसिन इस पॉलीक्लिनिक में मौजूद रहेंगे, जिनके जरिए आपको ट्रीटमेंट के साथ मेडिसिन की सहूलत दी जाएगी। इस इनोग्रेशन के मौके पर सैयद अली अल हुसैनी साहब, डॉक्टर शनप्रकाश पाटिल के अलावा साउथ MLA आलमपुरु पाटिल, इलियास सेठ बागबान, लाल अहमद सेठ, कॉरपोरेटर गौस मतेमोड और दीगर कई गेस्ट यहाँ मौजूद थे। तमाम लोगों ने अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स, एशियन पॉलीक्लिनिक, एशियन जनरल मेडिकल के प्रोप्राइटर इंजीनियर मोहम्मद आरिफुद्दीन को मुबारकबाद पेश कर आवाम से यहां शिरकत कर फायदा हासिल करने की गुजारिश की है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अल्लाह वरकातु। आज अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स की इफ्तिता में मैं तशरीफ़ लाया हूँ और मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब को बेहद उसकी मुबारकबादी देता हूँ। डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, मिनिस्टर मेडिकल एजुकेशन, वखार अशरफी साहब मौलाना भी मौजूद हैं और दीगर लोग जो हैं यहाँ पर, सबको दावत दी गई है, सब आए हुए हैं। मैं बेहद मुबारकबादी पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए बहुत जो उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग उम्रा और हज के लिए, उनको बेहतर से बेहतर इंतज़ाम में उम्रा और हज मुकम्मल करवाए। और मैं अल्लाह ताला से ये भी दुआ करता हूँ कि आरिफुद्दीन साहब को इस काम के लिए अगर चुना गया है तो उसमें उनकी खिदमत को कबूल किया जाए। इंशाल्लाह बहुत मुबारकबादी के साथ मैं सबको यही करता हूँ कि आप लोग आइए और इनसे बात मिलिए। और ये टूर्स एंड ट्रैवल्स से अलबदर के नाम से है, बदर एक शहर है जो मदीने शरीफ से करीब है, वहाँ की एक बहुत मशहूर जंग भी है उसी के नाम से। अल्लाह ताला से उनके शहदा जो जंग बदर में मौजूद थे, जो जंग बदर में सरकार के साथ दिए थे, उन लोग के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब के मुश्किलात को दूर फरमाए और उन्हीं के सदक़े में इस टूर्स एंड ट्रैवल्स की भी कामयाबी अता फरमाए। एशियन मेडिकल और एशियन पॉलीक्लिनिक भी इसी के साथ जुड़ी हुई है, उसी का भी इफ्तिताह है आज और मैं उसमें भी यही कोशिश रहेगी कि आरिफुद्दीन साहब के साथ उसकी उसमें खिदमत अंजाम दें और बेहतर से बेहतर फ़ायदे लोगों को उससे पहुँचे। आरिफुद्दीन साहब यहाँ पे एशियन मेडिकल, एशियन पॉलीक्लिनिक और अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स यहाँ पे आज अली बाबा के हाथ से इनॉग्रेशन हुआ है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे इसका जो बेनिफिट है यहाँ पे लोगों के लिए, एशियन मेडिकल का भी, पॉलीक्लिनिक में डर्मेटोलॉजिस्ट और जनरल मेडिसिन MD जनरल मेडिसिन डॉक्टर भी हैं और एक डे केयर भी हैं। इसके अलावा टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटी रखा है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस एरिया के लोग इसका लुत्फ़ उठाए ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ।
आज हम बहुत खुशी से अल बदर टूरिस्ट ट्रेवल्स का ओपनिंग करने के वास्ते हम आए। हमारे साथ में हमारे इलियास भगवान सेठ भी है, लाल अहमद भी है कि बहुत ज़रूरी है, था इम्पोर्टेंट है, बहुत जाने अर्जेंट में जाने वाले लोग और स्टेशन तक एयरपोर्ट तक जाके टिकट निकलने का बहुत मुश्किल होता है। ये सेवा अल बदर टूरिस्ट ट्रेवल्स वाले यहीं आके हम टिकट निकाल सकते, गारंटी भी रहता है, हमारा आदमी के हाथ में रहते हैं, होता क्या नहीं हो तो वो भी मालूम होता। बहुत अच्छा काम करे आरिफ साहब, बहुत अच्छा काम किया उसको, ये पूरा लोगों को, हमको ये एरिया के लोगों को बहुत हेल्प होता है। नहीं तो हम स्टेशन से यहाँ से 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो मुश्किल से अब हमारा यहाँ से यहीं हमको टिकट मिलते हैं। ये सब लोग इसका फ़ायदा लेके भगवान से उनका हमारा सब दुआ है उसके साथ बोल के मैं बहुत खुशी से इसका ओपनिंग करने को आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एशियन पॉली क्लिनिक एंड अल बदर टूर एंड ट्रैवल्स आज दोनों की इफ्तिताह हुई। जनाब आरिफ साहब इसके मालिक हैं और उनकी पूरी बिरादरी को, उनके पूरे भाई को, पूरे फैमिली को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह ताला इनके कारोबार में खूब बरकत दे। और आप इंशाल्लाह, आपसे उम्मीद है आपकी अच्छी सर्विस रहेगी और अच्छा काम करेंगे। आज के ज़माने में सिर्फ क्वालिटी की वैल्यू है, चाहे सर्विस हो चाहे हर चीज़ हो, क्वालिटी है तो इसकी वैल्यू है, नहीं तो वरना कोई वैल्यू नहीं है। बहुत कॉम्पिटिटिव दौर है आज का दौर, तो मैं दुआ करता हूँ कि आप क्वालिटी काम करेंगे, अच्छी सर्विस देंगे। सब लोग दुआ किए इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वल बरकातहू। तमाम ऐलान गुलबर्गा को बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब आरिफुद्दीन की तरफ से एक अल बदर हज और उमरा एशियन मेडिकल स्टोर, एशियन पोलो क्लिनिक, इन तमाम सर्विसों के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस है हज और उमरा। बारगाह बंदा नवाज गेसुदराज के इलाके में और आप पे निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों तकदीरें देखी। बारगाह बंदा नवाज गेसुदराज के रहमो करम से दुआ गो है हम कि आरिफुद्दीन साहब का ये कारोबार चल पड़े और हाजियों की खिदमत करने से और जो है बुज़ुर्गों जो लोग उमरा के लिए जाते हैं उनके खिदमत करने से आपके कारोबार में अल्लाह सुबहान व तआला बरकत अता फरमाएगा। और जो है तमाम जितने लोग उमरा और हज को जाते हैं उनके घर वाले, उनके अहले ख़ानदान के लोग एक अच्छी सर्विस देने से टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक को दिल से दुआएं निकलते हैं कि हमारे वालदा, हमारे वालिद, हमारे रिश्तेदार हज को सही सलामत जाके माशाल्लाह इतनी अच्छी सर्विस थी कि उन्हें अपने घर की कभी याद नहीं आई, इस तरीके से घर की तरह जो है हमें देखकर हमारी निगरानी में, उनके निगरानी में हमारा ख्याल रखा गया। तो लिहाजा जो है आपको एक बार फिर से मैं और हमारे MLA साहब इलिया सेठ साहब, ये MLA साहब तो ऐसे हैं हमारे कि मेरे और इलियास सेठ के देखने में मैं समझता हूँ दूसरे कैसर महमूद मिनियार जो है गुलबर्गा में आए हैं, कि इस तरीके से सादगी, इस तरीके से मिलना, इस तरीके से लोगों के पास अप्रोच होना, तमाम समाज के लोगों के साथ में बैठना उठना। तो लिहाजा जो है
इनको देखे तो जो है ना जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कैसर महमूद मिनियार जो है याद आते हैं। इसी बात के साथ मैं दुआओं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारे साथ बार बार ऊंची आवाज़ में बोलने आरिफ भाई हमारे खास दोस्त एक नए कारोबार में एक नया कदम रख रहे हैं। ये अलबदर हज और उमरा जो ऑर्गेनाइज़र है, मैं आज पूरे तमाम गुलबर्गा लोगों की तरफ से आरिफ भाई को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोगों को इस सर्विस से फ़ायदा हो और उनकी जो भी पिलग्रिमेज है हज है वो सुकून से हो और उन्हों आके आरिफ भाई को और दुआ दे और ऐसे लोगों को और मदद करने की मौका दे, ऐसा मैं उम्मीद के साथ फिर एक बार आरिफ भाई को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आरिफ और हमारा बहुत ख़ास दोस्ती है, उनके वालिदा और उनके वालिद साहब के टाइम से हमारा एक अच्छा रिलेशन है और एशियन मेडिकल और मेडिकल सेंटर काफ़ी, मैं डॉक्टर हूँ इसीलिए उन्होंने काफ़ी एडवाइस हमसे लिए हैं और हम जब ज़रूरत पड़ी तो उनसे एडवाइस लिए हैं, तो ये एक अच्छा सिलसिला चलते रहेगा और चलना चाहिए, ऐसा भाईचारा बढ़ना चाहिए। इससे एक अच्छा एग्ज़ाम्पल होता है, एक कम्यूनिटी में एक दोस्ताना बढ़ता है और लोगों को एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बन के रहता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाही बरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफुद्दीन, आज सारे जितने भी मेरे जो मेहमान खुसूसी चरण प्रकाश पाटिल साहब और दरगाह के साहेब अली अल हुसैनी साहेब और आलम प्रभू साहब, लाल सेठ, इलिया सेठ, हमारे जो डॉक्टर साहब गुरराज देशपांडे जो ऑन्कोलॉजी है किडवई हॉस्पिटल के, यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं इनका बहुत ही मशहूर हूँ। मैं बहुत ही तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर इस ओकेशन में, इस इवेंट में शामिल हो गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल बदर टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा सर्विसेज इस गुलबर्गा में मैं इस नीयत से लाया हूँ कि जो लोग हज उमरा के लिए जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे उनके तकलीफ़ात होते हैं, उनके मुश्किलात आते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि उनको करना क्या है वहाँ पर, और दूसरे ऑर्गेनाइजर्स उनको क्या करते हैं वो पता नहीं है। मगर मैं ये उम्मीद लेके ओपन किया हूँ अल बदर टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा सर्विसेज कि उनके मुश्किलात और उनके तकलीफ़ात को दूर कर सकूँ और उनकी इबादत उनसे बहुत अच्छी हो जाए वहाँ पर और खुशू के साथ वो अपनी इबादत में मशगूल रहें और अच्छे से उनका उमरा और हज हो जाए। तो मैं ये सोचकर अल बदर टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा सर्विसेज ओपन किया हूँ और साथ ही साथ एक छोटी सी और एक पॉलीक्लिनिक, एशियन पॉलीक्लिनिक स्टार्ट किया हूँ खिदमत खल्क की तरह। जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं उनको बहुत ही मुश्किलात होते हैं कि वो बच्चों के साथ आते हैं तो उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनके बड़े बीमार हो जाते हैं, तो उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलने का अंदेशा मुश्किल हो जाता है, कहाँ जाएँ किधर जाएँ। तो हम लोग उनके लिए यहाँ पर सर्विसेज खोल रखे हैं ताकि उनको अच्छी से अच्छी सर्विस मिल सके, एक अच्छा उनको ट्रीटमेंट हो सके और उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ एक उनको राहत मिल सके। तो साथ में एशियन मेडिकल भी मैं रखा हूँ जिसमें हम जो है ना लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे यहाँ तक आएँ, इस सर्विसेज का फ़ायदा उठाएँ। तो मैं आप लोगों का बहुत ही मशहूर हूँ और बहुत ही मैं तहे दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अपना कीमती वक्त लेकर आए। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।